बच्चों का केस नहीं है ये, पूरे यूपीएससी एस्पिरेंट्स का कंसर्न है ये, सिर्फ उन एक गैमट का केस नहीं है, इट्स द कंसर्न ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स। वी नीड टू क्वेश्चन यूपीएससी, उसे आंसर देना चाहिए। वी नीड टू क्वेश्चन यूपीएससी, आप चाहते क्या है? व्हाट डू यू वांट फ्रॉम एस्पिरेंट्स? वी आर नॉट सुपर ह्यूमंस, वी आर नॉट एलियंस। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यूपीएससी, व्हाट इज द फन ऑफ गिविंग द क्वेश्चंस लाइक आईआईटीएंस और जेईई मेंस एडवांस्ड क्वेश्चंस? Do you want engineers only? Correct. Then why we are here? आप प्री को इतना डिफिकल्ट कर दे रहे हो, इतना डिफिकल्ट कर दे रहे हो, तो जो बच्चे रियल में टैलेंटेड है, जो इंटेलेक्चुअल है, इंटेलिजेंट है, या मतलब सूटेबल है, मैं कहूँगा यूपीएससी के लिए, मतलब वो मेंस तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो रियल कॉम्पिटिशन कहाँ पे है? मेंस में है। तो अब मेंस में कौन बच्चे गए हैं जो जिनका तुक्का लग गया, या मतलब बहुत कम बच्चे पहुँच पाए? अपने आप को चालाक समझते हैं, बट वी आर ऑल्सो स्टूडेंट्स। तो हमारे अपने कंसर्न है, हम इतने हार्डशिप्स उठाते हैं, वी आर फेसिंग लॉट मेनी ऑफ चैलेंज, लेकिन ऑल दो इवन यूपीएससी हमें उससे भी बड़ा चैलेंज दे रही है। मैं तो डिमोटिवेट नहीं हुआ हूँ बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अब यूपीएससी पे थोड़ा प्रेशर आ ही तो जाएगा, दैट इवन द स्टूडेंट्स फ्रॉम आईआईटी हैव फाइल्ड द पीआईएल अगेंस्ट स्टेट बिकॉज दे वर नॉट इन टच विद मैथ फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम। सो तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। अब आईआईटीएंस के लिए ये चैलेंज है, सो यू कैन इमेजिन हाउ इट विल बी अ चैलेंज टू दोज हु आर नॉट फ्रॉम मैथमेटिक्स बैकग्राउंड। दोस्तों, इस वक्त मैं आया हूँ ओल्ड राजेंद्र नगर, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल ही प्रीलिम्स की रिजल्ट आई है, और मैंने चाहा कि यहाँ पे बच्चे जो है जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनसे रिव्यू लें, इसके बारे में प्रीलिम्स के जो पेपर थे, जो रिजल्ट थे ओवरऑल, इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ कुछ जेंटलमैन हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं आईआईटी लेवल के, तो इसके अगेंस्ट भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने केस किया है। क्या आपको लगता है कि वो चीज़ें गवर्नमेंट या जो यूपीएससी डिपार्टमेंट है इसको सुनेगी, या फिर इस पर आगे क्या रणनीति हो सकती है? क्योंकि कुछ बच्चों से मैंने बात किया था, आप सर बता सकते हैं इस बारे में? डेफिनेटली सर, देखिए, हु आर फ्रॉम आईआईटी एज वेल, दे आर अगेंस्ट इट। डेफिनेटली दे हैव आल्सो फाइल्ड द पीआईएल अगेंस्ट इट, इवन दो दे आर फ्रॉम आईआईटी, दे आर फ्रॉम आईआईटी, इवन दे आर फाइल्ड द पीआईएल, एज आई हैव हर्ड इट फ्रॉम माय सर सिकंदर सर, ही टोल्ड दैट इवन द स्टूडेंट्स फ्रॉम आईआईटी हैव फाइल्ड द पीआईएल अगेंस्ट इट बिकॉज दे वर नॉट इन टच विद मैथ फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम। सो तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। अब आईआईटीएंस के लिए ये चैलेंज है, सो यू कैन इमेजिन हाउ इट विल बी अ चैलेंज टू दोज हु आर नॉट फ्रॉम मैथमेटिक्स बैकग्राउंड। सो ये तो इम्पार्शियलिटी होगी, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे हम? दिस इज डेफिनेटली इम्पार्शियलिटी। व्हाट यूपीएससी वांट्स बाय दिस, वी नीड टू क्वेश्चन यूपीएससी, व्हाट यू वांट फ्रॉम दिस? डू यू वांट इंजीनियर्स ओनली? देन व्हाई वी आर हियर? So just put in your syllabus and all that we don't want any arts, commerce student, we want only engineers, right? Definitely, they are trying to say, they are trying to indicate this thing that we only want engineers. So what do you think? As he said about, जैसे ही कह रहे हैं कि CSAT के जो पेपर थे वो बहुत टफ थे, मतलब ऐसा क्यों किया यूपीएससी ने? वो क्या करना चाहती है, वो क्या किस तरह के स्टूडेंट लेना चाहती है? सर, बेसिकली यूपीएससी को अभी बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि यार यूपीएससी को अगर इससे कंपटीशन कम हो रहा है, क्यों हो रहा है? अभी मैं आपको बताता हूँ। आप प्री को इतना डिफ़िकल्ट कर दे रहे हो, इतना डिफ़िकल्ट कर दे रहे हो, तो जो बच्चे रियल में टैलेंटेड है, जो इंटेलेक्चुअल है, इंटेलिजेंट है, या मतलब सूटेबल है, मैं कहूँगा यूपीएससी के लिए, मतलब वो मेंस तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो रियल कॉम्पिटिशन कहाँ पर है? मेंस में। तो अब मेंस में कौन बच्चे गए हैं जो जिनका तुक्का लग गया, या मतलब बहुत कम बच्चे पहुँच पाए? तो अब वहाँ पर कॉम्पिटिशन कम हो गया, तो रियल जो सूटेबल कैंडिडेट है वो तो वहाँ पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मतलब ये सुप्रीम कोर्ट तक भी ये बात पहुँचाई गई है कि यार आप ठीक है, आपको पावर मिली है, आप सेट पेपर सेट कर सकते हो, लेकिन आप ये भी ध्यान में रखो कि यार हमें किस तरह कंपटीशन को कैसे इसको लाइव रखना है। ऐसा नहीं है कि बस कुछ ही बंदे आएंगे, या मतलब बहुत थोड़ा सा कंपटीशन करा के। सर, एक्चुअली जो है कि यूपीएससी को सोचना चाहिए कि कॉमन लेवल फील्ड लाए। आप समझ सकते हैं कि दोज हु आर इन राजेंद्र नगर, दे हैव एक्सेस टू दीज थिंग्स, बट द वन हु इज फार फ्लंग एरिया और इन रूरल एरिया, हाउ कम ही विल डू दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स? ये समझना चाहिए ना। यूपीएससी तो कहती है यूनिफॉर्मिटी, अभी ऑप्शनल हटाने का भी सोच रही है, बट ऑल दो दे आर डूइंग दीज थिंग्स। और दूसरा ये है कि सर, जो मतलब
सिलेबस आप कह रहे हो कि यार सिलेबस टेंथ जो मैथमेटिक्स आएगा वो टेंथ लेवल, जैसा इन्होंने कहा कि टेंथ के स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछेंगे। आप डिफाइन करो, आप सिंपली चीज़ों को डिफाइन करो कि यार आप एक लाइन नहीं लिख सकते कि भाई नेशनल ये इंपॉर्टेंस आएगा, मतलब नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के इशू आएंगे, बस इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी लिख दोगे आप और उसमें फिर क्या पूछे, या तो उसको डिफाइन करो या फिर आप मतलब जो आपने लिखा है तो उसी लेवल का पूछ रहा है। जर्नलाइज आदमी बंदा चाहिए आपको, स्पेशलिस्ट नहीं चाहिए। यूपीएससी वांट सुपर ह्यूमंस, जहाँ से मुझे लग रहा है। नहीं सर, सपोज कि सर जीएस में आप बहुत अच्छे हैं तो क्या फ़ायदा हुआ उसका, कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ। डेफिनेटली बिकॉज देखिए जो सारे स्टूडेंट्स हैं ना वो सी सैट को थोड़ा मतलब सीरियस नहीं ले लेते थे, जीएस पर ज़्यादा फोकस करते थे। तो अब यूपीएससी चाहती है कि हम ना इन बंदों को से थोड़ा और एक स्टेप आगे हों, अपने आप को चालाक समझते हैं, बट वी आर आल्सो स्टूडेंट्स, सो हमारे अपने कंसर्न है, हम इतने हार्डशिप्स उठाते हैं, वी आर फेसिंग लॉट मेनी ऑफ चैलेंज, लेकिन ऑल दो इवन यूपीएससी हमें उससे भी बड़ा चैलेंज दे रही है। मैं तो डिमोटिवेट नहीं हुआ हूँ बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अब यूपीएससी पे थोड़ा प्रेशर आ ही तो जाएगा अगले साल का। जो ये बच्चे जो केस कर जिन्होंने किया है कैट वालों ने, इसका क्या आउटकम आएगा, कुछ लगता है कुछ सरकार सुनेगी? ये बच्चों का केस नहीं है, ये पूरे यूपीएससी एस्पिरेंट्स का कंसर्न है, ये सिर्फ उन एक गैमट का केस नहीं है, इट्स द कंसर्न ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स। गवर्नमेंट नीड्स टू कंसंट्रेट ऑन इट, गवर्नमेंट नीड्स टू गिव सॉल्यूशन टू इट, क्यों नहीं करें? मैंने ये भी सुना है कि रिजल्ट बहुत जल्दी निकाल दिया है यूपीएससी ने, कोई प्लान नहीं था 16 का या 14 का था, बट इस केस की वजह से शायद ऐसा भी कुछ था। आपके हिसाब से कैसा है? अभी 15 को एक्सपेक्टेड था लेकिन इस बार बहुत ही जल्दी आया है। अभी ऐसा तो नहीं घबरा गई केस हो गया पता नहीं क्या होगा, बट रिजल्ट निकाल दो साथ हो जाएंगे बच्चे। एक्चुअली क्या है कि यूपीएससी जो है इसे शॉर्ट टर्म करना चाहती है, जैसे अभी एक रिकमेंडेशन आई है प्रोबेबली बासवान कमेटी की रिपोर्ट की, वो रिकमेंडेशन है कि इसको 2 टर्म करा जाए विद इन अ ईयर। अच्छा, ये भी एक रिकमेंडेशन है, probably I am not able to recognize. Depends कि सीट्स कितनी है, वो क्वेश्चन कैसे करेंगे, सीट्स होगी तभी तो करेंगे। वो नहीं है सर, असल में ऐसा है कि आपने देखा होगा कि जो साइकिल है मतलब पूरी 2 ईयर्स की जो साइकिल है, मतलब कोई बंदा अब जून में, इफ समबडी स्टार्ट प्रिपेयरिंग इन जून टुडे, सो हिज फाइनल रिजल्ट वुड बी कमिंग आफ्टर 2 ईयर्स इन जून इन मे 2025। सो तो आप देख रहे हो कि कितना लंबा साइकिल है, तो इसमें उसको वो मेंटल है, फिजिकल, इमोशनल, इतने चैलेंजेस आते हैं मतलब बंदे को, तो उसको ये रिकमेंडेशन पार्लियामेंट में भी आई थी। तो मतलब बहुत सारे ऐसे चेंजेस है जो यूपीएससी को करने चाहिए, और जो अभी जो केस फाइल हुआ है उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि यार किस तरह के हमें एस्पिरेंट चाहिए। मिस्टेक तो हुए हैं यूपीएससी इस बार, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, वी नीड टू क्वेश्चन यूपीएससी, उसे आंसर देना चाहिए। वी नीड टू क्वेश्चन यूपीएससी, आप चाहते क्या, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम एस्पिरेंट्स, वी आर नॉट सुपर ह्यूमन्स, वी आर नॉट एलियंस, वी आर जस्ट ह्यूमन। ऐसा नहीं कि आप बियॉन्ड क्वेश्चन पूछेंगे, जो आपने लिखा है सिलेबस उसी से पूछना चाहिए। I have a question for UPSC. What is the fun of giving the questions like IITians or JEE mains advanced questions? Halanki we don't have access to that sort of material and that sort of coaching even. So kya chahti hai UPSC? What UPSC wants? UPSC को ये पूछना चाहिए आप चाहते क्या हो, what do you want? चलिए बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, चलिए ऑल द बेस्ट।